हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वरना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि शिवम वैष्णो देवी की क्लिप भेजेगा, वो तो उसकी ट्रैवल की वीडियो थी, जो उसने ट्रैवल किया वो भेजा था। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वैष्णो देवी माता के मंदिर की वीडियो जो गया था, और भैरव जी की जो मंदिर की वीडियो है वो दिखाने वाली हूँ। अपना लगेज मिल चुका है, ये देखिए पीछे कैसे आया। तो गाइस, इस प्लेन से आए थे, ठीक से जम्मू एयरपोर्ट है, वहाँ से हम निकल चुके हैं। अब हम ढूंढेंगे वहाँ से गाड़ी। गाइस, तो हमें बहुत जबरदस्त नींद आते हुए और हमारे आंखें बंद हो रही है। ये पूरे मार्केट है कटरा, यहाँ पे देखिए कहाँ से यहाँ से एंट्री लेते हैं कटरा में, इधर से जाने का रास्ता। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मॉर्निंग हो चुकी है, 6:30-7 बजने वाले हैं। टाइम मैं आपको बता ही देता हूँ, ऐसे टाइम हो चुका है 6:30। तो हम चलने का प्लान बना रहे हैं माता रानी के मंदिर में। के मंदिर में पहुंचेंगे, हम आपको मिलेंगे, फिर वहां से मैं बताऊंगा आपको क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं सीधा मंदिर में, मिलूंगा मैं। बाय बाय, यहां से चेकआउट कर लेंगे होटल से। वैसे तो 12 बजे का टाइम था, बट हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब हमें रहना है नहीं। यहां पे चेक पॉइंट है आपका, मतलब एंट्री लेते हैं। तो यात्रा हमारी चालू हो चुकी है, लगा दिया लगा पड़ा अभी। सिर्फ हमें 5 मिनट हुए हैं, लेकिन मास्क की वजह से ज्यादा सांस फूल रही है, तो हम बीच बीच में ऐसे भी कर सकते हैं। और काफी लोग बिना मास्क के जा रहे हैं। सही बात है, बट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पूरा मास्क मत उतारिए, बीच में थोड़ा सांस ले लीजिए। हाँ, कोई मतलब जगह जगह आपको ये है बाणगंगा। प्राचीन चरण पादुका एंट्री करते हुए, ये है प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका माता रानी का प्राचीन। यहाँ जा रहे हैं हम, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, आगे देखिए। तो हालत टाइम बोल चुकी है मेरी, मैं बैठ गया हूँ, तो जाता जा रहा आगे निकल गया। गए तो आसान नहीं है, मुश्किल है रास्ता। चलते चलते जाते हैं, बताते हैं आपको। ये है राजमा राइस, तो हम स्टार्ट करते हैं खाना। चलिए फिर बताता हूँ आपको। बाय। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था गाइस, ये है मंदिर का पानी का, और ये है धर्मशाला। काफी लंबा रास्ता है यार। तो चलिए गाइस, पहुँच गए हम राजकुमारी। ये थोड़ी वो लिखा है डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे यात्रा पर्ची दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा और रास्ता रह गया। ये है माता जी का भवन, और बर्फ भी पड़ी है। कुमारी में टोकन लेने जा रहे हैं, हमने टोकन के बारे में पूछा था, तो इंक्वायरी में उन्होंने बताया यहाँ पे टोकन मिलेगा। तो पीछे में दिखा दे, तो यहाँ मिलेगा हमें टोकन, ठीक है। दिखा दिया मैंने आपको यहाँ। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, ये है वैष्णो देवी। तो मैंने प्रसाद ले लिया है, देख सकते हैं माता रानी का, 70 रुपीज है मैक्सिमम, 70 रुपीज प्राइस है प्रसाद का, और 55 रुपीज भी है, मतलब कम से कम तो शायद 30 रुपीज का था मैक्सिमम, 70 रुपीज, और चुन्नी बन 30 रुपीज। तो मैंने ले लिया है, अब मैं माता रानी को मंदिर में जा रहा हूँ। हमने टिकट ले लिया,
टिकट पड़ी है हमें 100 रुपीज़ की, 1% 100 रुपीज़ की है, 50-50 आना जाना। मतलब ऊपर से आ रही हो, देखिए ट्रॉली आ रही है यहाँ पे आएगी। चलिए गाइस फिर ट्रॉली पे ऊपर मिलते हैं भैरव मंदिर पे। जाएगी ऊपर, बोल भैरव बाबा की जय। ये ऊपर गई, देखिए तो ट्रॉली ऊपर जा रही है और सीधा वहां लैंड होगी ऊपर वाले एरिया में। क्राउड देख सकते हैं, ट्रॉली में पहुंच चुके हैं। तो भाई अंदर हो जाओ आप लोग। पहुंचने के बाद हम मैं आपको पैसा भी बताना होगा। देखिए भीड़ हो गई है ट्रॉली में है। चलिए ऊपर मिलते हैं फिर सीधा। तो गाइस हम रिटर्न हो चुके हैं घर की तरफ। यहाँ था माता रानी का मंदिर, यहाँ हम पहुंचे थे और यह है घर की तरफ रास्ता। तो बस पहुंचेंगे गटरा, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। चेकआउट कर रहे हैं, निकलते हैं घर की तरफ। तो काफी टाइम बिता दिया हमने, 2 दिन तो हो गए हमें कंप्लीट यहाँ जम्मू में। अब निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन, एंट्री लेंगे शायद, आगे वीडियो बनाना अलाउ ना हो। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, के बाद काफ़ी अच्छा बना रखा है। जम्मू तवी से तो ठीक ही लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों में है। चलते हैं रेलवे स्टेशन में खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ का, नो डाउट रेलवे की तरफ से यहाँ से एंट्री है। चलिए यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है। तो शिवम का रेलवे स्टेशन का पहला एक्सपीरियंस था ये, और पहला स्टेशन कटरा ही था इसका, और ये अच्छा भी है दिखने में। तो कैसा लगा शिवम बताओ? बहुत अच्छा, मुझे पता है। तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि रेलवे स्टेशन गंदगी होती है, ये होता है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल, अगर ऐसी सोच है आपकी तो ये तो गलत माना जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अलग, मतलब बहुत सुधार किया। रेलवे स्टेशन आने से पहले शिवम को भी थोड़ा यही डाउट था कि कैसा होगा नहीं होगा, बट अब शायद बिल्कुल मैं अपना माइंड बदल गया होगा, देख नजरिया बदल जाता है। तो चलिए फिर करते हैं खाना वाना खाने का इंतजार। मैंने खाना खा लिया गाइस, उसने भी खा लिया। तो गाइस हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा चुके हैं, तो पूरा लग चुका है, पूरा देख सकते हैं, रात के 10:30 होने वाले हैं। पूरा देखे पूरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध है, इतनी धुंध में तो शायद ट्रेन भी लेट हो सकती है। अच्छा बना रखा है B10, ये नंबर है हमारा AC3। क्या हुआ, गेट नहीं खुल रहा क्या? गेट बंद है गाइस, मेरी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म में भी काफी ठीक ठाक भीड़ ही है, भीड़ तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल ही है। तो गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, बट अब ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में, 10:30 तो हो गए हैं, 11 बजे तक चलेगी, आधे घंटे में चल जाएगी, बिल्कुल राइट टाइम पे ट्रेन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 11:12 हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, आ चुकी है दिल्ली दिल वालों की, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सो सो के आया पूरे रास्ते पर, मौज आ गए। शिवम पूरी रात जगा था, मैं पूरी रात भर उठा हुआ था, वीडियो बना रही थी आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस, प्लीज सपोर्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मजाक कर रहे थे तो बंद है। चलो गाइस फिर आ गया, देखो सब उतर रहे, पहुंच चुके हम। चलिए फिर अब इससे जाते हैं। तो गाइस हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म है ये हमारी ट्रेन की, AC3 टियर। हाँ हम यहाँ से मेट्रो लेंगे, वीडियो चल रही है, हम फाइनली मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पहुँचेंगे
उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी वीडियो बना दवा दे, शिवम ने भी अपना मास्क उतार दिया था। यहाँ चलान कट रहे हैं बहुत ही जोरों शोरों में। हाँ, हमारे सामने चार लोग कटा है, चार। तो वही है, मैं बच गया बाल बाल, वरना मेरे बाल बाल अलग हो जाते। पहले मैं आप सबको रिव्यू देना चाहती हूँ कि शिवम को कैसा लगा वहाँ जाके, क्योंकि वेदर वहाँ का बड़ा अच्छा होगा, यहाँ के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ठंडा तो हो गई। तो वहाँ बर्फ़ वगैरह पड़ी थी या नहीं, कैसा वेदर था, मैं आपको शिवम से मिलके बताती हूँ। शिवम के पास चलते हैं, आज बेचारा थका हुआ है, पूरे दिन सोया हुआ था, मॉर्निंग में आ गया था वो, पूरे 3 डेज बाद वापसी आया है। तो चलो चलते हैं उसके पास। कहाँ है शिवम तू? किचन में है ये लड़का, जब देखो किचन में रहता है। तो मैं फाइनली घर आ चुका हूँ, मेरी हालत खराब हो चुकी है, थक चुका है ये। पैर भी कैसा लगा? गए थे, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, तो काफी अच्छा था। ठंड थी यहाँ से ज्यादा की काम थी? दिल्ली से कम ठंड बोलूंगा, वहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ पे। मतलब रीजन क्या है, मेन रीजन है ठंड होती ज्यादा है, बट वहाँ धूप निकली हुई थी और यहाँ फॉग हो रखा है, तो इस वजह से ठंड कम है वहाँ पे। वहाँ कम है, थोड़ी मतलब थोड़ी सी वजह, ज्यादा नहीं। अब जैकेट वैकेट पहनी थी, वो ये भी रीजन पर मुझे यहाँ से थोड़ा कम लगी। तो बाय फ्रेंड्स, मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट, और स्टे होम स्टे सेफ। बाय।